आज 15 एमएसएमई क्लस्टर का हमने भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। 552 उद्योग इकट्ठे, आज 552 उद्योग लगने वाले हैं और 552 उद्योगों में छोटे उद्योग हैं। 28,300 बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने का भी कार्यक्रम है और राज्य स्तर पे 1,708 इकाइयां जो बन गई है उनका लोकार्पण हुआ है और उसमें भी लगभग 16,375 बच्चों को रोजगार मिलेगा। 307 इकाइयों का राज्य स्तर पर भूमि पूजन है, उसमें भी 6,310 लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन में भी ये अध्यात्म का केंद्र तो है ही, लेकिन अब उद्योगों का केंद्र फिर उज्जैन बनने जा रहा है। एक के बाद एक अनेकों नए उद्योग महाकाल महाराज की कृपा से विक्रम उद्योगपुरी में और अन्य स्थानों पर लगातार चले आ रहे हैं। और देखो महाकाल महाराज की कृपा तो देखो, रोज 1.5 लाख भक्त आ रहे, शनिवार और इतवार को 3 लाख हो जाते हैं और अकेले सावन के महीने में कितने भक्त आए भाई, 2.25 करोड़। अकेले सावन पे 2.25 करोड़ लोग आए और महाकाल महाराज की पूजा करके गए। और ये 2.25 करोड़ आते हैं तो महाकाल महाराज की पूजा तो करते ही हैं, लेकिन आपको पता है उज्जैन की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया है। पूरी अर्थव्यवस्था उज्जैन में होटलों में जगह नहीं है, नए नए रिसोर्ट बन रहे, घरों में ही होटल के कमरे बना लो भैया। श्रद्धालु आए तो खूब भोजन भी कराओ और अपनी आमदनी भी बढ़ाओ। 3,000 करोड़ रुपया उज्जैन में अतिरिक्त आने वाला है। 3,000 करोड़ रुपया होटल, रेस्टोरेंट, चाय, नाश्ता, भोजन, फूल, प्रसाद, सारी चीजें बिक रही है, जैसे महाकाल महाराज की कृपा बरस रही है उज्जैन पर। और ये सोच रहे ना, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं और यहां से कह रहा हूं, हृदय से कह रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा। महाकाल महालोक के बाद जिस बाद में मैं बोलूं नहीं तो बोलूंगा कैसे भैया। अब देखो ये परिवार ही तो है, मामा बोल रहा बोल ले अभी त्रिशूल ले लो डबरू, मैं जरूर लूंगा। अरे और कोई मुख्यमंत्री होता तो कहीं त्रिशूल डबरू देने को आ सकता था यार, लेकिन ये तो अपना परिवार है भाई, परिवार। डमरू भी ले जाऊंगा, त्रिशूल भी ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो भोले बाबा की भक्ति में लीन होकर डमरू बजाऊंगा अभी। लेकिन कांग्रेस ही बड़े परेशान है, अब महाकाल महालोक पे आरोप लगा दिए। शर्म नहीं आई कांग्रेसियों तो में, जिस महाकाल महालोक ने उज्जैन की सूरत बदल दी वहां आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अरे महाकाल महाराज गड़बड़ करने वालों को भस्म करते हैं, कुछ छोड़ेंगे क्या वो? लेकिन ये लोग, और कुछ नहीं मिलता, गड़बड़ हो गई, मूर्ति गिर गई। अरे कांग्रेसियों कुछ तो शर्म करो, कुछ तो सोचो, कम से कम मंदिर तो छोड़ दो, भगवान को तो छोड़ दो, लेकिन झूठे आरोप लगाते रहते हैं। जलने वाले जला करें, हम रुकने वाले नहीं है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण का भी लोकार्पण होगा, धूमधाम से होगा मेरे बहनों। और आज फिर कह रहा हूं, महाकाल महाराज की कृपा से हमारी अवंतिका, हमारा उज्जैन 3 लोक से न्यारा होगा, 3 लोक से न्यारा। जरा जोर से ताली बजाओ, महाकाल महाराज को प्रसन्न करो। बोलिए महाकाल महाराज की, उज्जैन अब रुकने वाला नहीं है, विकास के पथ पे बढ़ गया है। आप देखना ऐसे वैभव से संपन्न होगा अपना उज्जैन, वैभव से संपन्न होगा, कोई दरिद्र नहीं रहेगा। यहां मैं सच कह रहा हूं, मैं यहां से कह रहा हूं, इतने काम धंधे चालू हो रहे हैं। और कल ही आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज पधार गए मानधाता पर्वत पर, ओंकारेश्वर में साक्षात, जैसे उनकी भी कृपा बरसी हो। हम धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में भी काम करेंगे, लेकिन जनता की सब समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आज देखो कितनी बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। बहनों ये तुम्हारा दौर है, तुम्हारा दौर, जोर से ताली बजाओ। 33% रिजर्वेशन
लोकसभा और विधानसभा में एमएलए एमपी बैठे, सावधान रहना, कहीं रिजर्व हो गई तो वो ही लड़ेगी। लाडली बहना जैसी योजनाएं जो बहनों की जिंदगी बदल रही है। अच्छा बहनों मुझे जरा दिल से बताना, अपन तो बात करते हैं, लाडली बहना योजना अच्छी है कि नहीं बताओ। ये पैसा नहीं दिया मैंने, मेरी बहनाओं तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है। छोटी छोटी चीज के लिए क्यों मेरी बहना हाथ फैलाए? 1500 की जरूरत पड़ गई तो गरीब बहना को, निम्न मध्यम वर्गीय बहना को हाथ फैलाने पड़ते थे। बच्चों के कपड़े खरीदना है, स्कूल की किताबें चाहिए, कोई खिलौना चाहिए। अरे मुझे ऐसी ऐसी बहन मिली जिन्हें कहा, मामा हमने दुकान धंधा चालू कर दिया। इनका क्या कर दिया? तो एक बहन लगा रही है सब्जियों का ठेला। बोले अब तो मेरी रोज की आमदनी 100-150 रुपया हो गई। एक ने चाय की गुमटी खोली। एक बहन बोली मैंने बचा के सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन खरीद ली और अब सिलाई कर रही हूं और आमदनी बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रही हूं। यह केवल योजना नहीं है, यह आपकी जिंदगी बदलने का प्रयास। और ध्यान रखना, भैया यहां रुकने वाला नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, जैसे जैसे होती जाएगी वैसे वैसे बढ़ाऊंगा। अब बढ़ा के कर दी 1250 रुपया हर महीना। मेरी बहनें भी बहुत है, कितना भाग्यशाली भाई हूं। 1,32,00,000 बहनें मेरी, इसके बाद भी कई रह गई। कह रही एक बार और खोल दो, हम तो रह गए। मिनका रह क्यों गए? बोले हमें लगा वैसे वैसे ही भरवा रहा हूं, कुछ मिलना जुलना थोड़ी है। लेकिन मेरी जो बहनें छूट गई है उनको भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए बहन बहन है, बहन की कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मेरी बहन है। उनकी जिंदगी बदले ये हमारी कोशिश है। और 1,32,00,000 बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना भी डालते तो लगभग 15,000 करोड़ आते हैं। अब तो 1,250 हो गए तो 16,000 करोड़। और जैसे ही पैसे की जुगाड़ हुई 1,250 से बढ़ा के करूंगा 1,500, फिर 1,500 से बढ़ा के करूंगा 1,750, फिर 1,750 से बढ़ा के करूंगा 2,000, फिर 2,000 से बढ़ा के करूंगा 2,250, 2,250 से बढ़ा के करूंगा 2,500, 2,500 से बढ़ा के करूंगा 2,750, और बाद में कितने करूंगा जोर से बोलो 3,000। ये कांग्रेस की नहीं, ये शिवराज की गारंटी है। जो कहा है वो करेंगे। और भाई चिंता मत करना, बहनें बड़ी दयालु है, ज्यादातर पैसा अपने काम आने वाले हैं। और मेरी बहनों मैंने एक इंपैक्ट असेसमेंट करवाया जिससे बहनों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। तो मैं एक राज की बात बताऊं, कई बहनों ने, हमने सर्वे करवाया तो उन्हें कहा कि हमारी जब से ये पैसे आ रहे हैं तो घर जरा पूछ पड़क बढ़ गई है, इज्जत बढ़ गई है घर। सासू भी, सासू माँ भी अब प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो, आ गए कि नहीं आए? और एक बहन ने कहा कि अब तो सासू माँ कहती कि रोटी में घी चुपड़ के दो बहू को भी। और साहब भी जब बाहर से आते हैं तो उनका प्रेम भी थोड़ा बढ़ गया है, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए पैसा परिवार को सशक्त करने के काम आएगा, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है। ये जो बुनियादी जरूरत है परिवार की, उस बुनियादी जरूरत को पूरा करने का अभियान है। मैं जानता हूं मेरी बहनाओं तुम पैसा फालतू खर्चा नहीं करोगी, तुम पैसा सही काम में, घर की उन्नति में लगाओगी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाओगी। परिवार संकट में आया तो पति देव की तरफ भी हाथ उठा के कहोगी चिंता मत करो मैं तो हूं, ले जाओ पैसा, बहने यही करने वाली है। परिवार सुखी होगा, आगे बढ़ेगा। अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है ये, माता बहन बेटियों का सशक्तिकरण सबसे बड़ा अभियान। और बाकी चीजें भी आप देखें। देखो मैंने कहा परिवार है तो परिवार कैसा होता है? परिवार में हर एक बात की चिंता की जाती है, माता पिता अपने परिवार की मुखिया करते कि नहीं करते। अब परिवार की सरकार कैसी होती है?
राशन फ्री गरीबों का, परिवार की सरकार है। एक बात और सुन लेना ध्यान से, ये मेरा संकल्प है, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, कई जगह ऐसी हालत हो गई कि दादाजी थे उनके चार लड़के हुए, चार बहू आ गई, फिर चार के चार चार और हो गए, अब उनकी बहू आ गई, तो कई घर ऐसे हैं कि जहां रहने की जगह नहीं बची। और जब ये बात मेरे ध्यान में आई तो हमने तय किया कि एक परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर उनके पास रहने की जमीन नहीं है, छोटे से घर में कई लोग रह रहे हैं, तो उनके पट्टा देके जमीन का मालिक बनाएंगे, रहने की जमीन की व्यवस्था उनकी करेंगे। हमने चलाई है मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, गांव में पट्टे वितरित होना शुरू हो गए। शहरों में दो मॉडल पे काम करेंगे हम, क्योंकि शहर में जमीन की कमी है। हालांकि एक बात और बताऊं, माफियाओं से हमने 23,000 एकड़ जमीन छुड़ाई है। माफिया थे जो गड़बड़ करते थे, कब्जे, इस जमीन पे भी कब्जा कर रखा था, ये सभी पे भी कब्जा कर रखा था, हटा दिया कब्जा और अब ये सारी चीजें बन रही है। एक तो वो जमीन जितनी हम छुड़ा रहे हैं, उस जमीन पे गरीबों के मकान बनाएंगे शहर में, और बाकी भी जो बरसों से रह रहे हैं उनको पट्टा देके मालिक बनाएंगे, और जिनके पास जमीन नहीं है तो अभी उपलब्ध करके मल्टी स्टोरी बना के रहने के कम से कम छोटे घर की व्यवस्था करेंगे, गांव में जमीन देंगे या मल्टी स्टोरी भी बनाएंगे तो रहने की व्यवस्था हो जाए। तीसरी चीज हमारी होती है, तीसरी चीज सबसे जरूरी होती है, वो है बीमारी में इलाज, आयुष्मान भारत योजना, 5,00,000 रुपए तक का इलाज निःशुल्क, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान लगातार। और अभी आचार संहिता के पहले ही भाई एक कार्यक्रम के लिए और आना है, मेडिकल कॉलेज के लिए, तो मेडिकल कॉलेज का भी भूमि पूजन यहां पे करना है, ताकि संभागीय मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज की हो। इलाज की परफेक्ट व्यवस्था। एक होती है बच्चों की पढ़ाई, सबके दिमाग में चिंता रहती है कि मेरे बेटा बेटी ढंग से पढ़ जाए, और विशेषकर वो परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर रहते हैं। तो मेरी बहनों मेरे भाइयों, हमने जो योजना बनाई है, देखो बच्चे गांव में दूसरे गांव पढ़ने जाए, 5वीं पास करके 6वीं, तो 4,500 रुपए हमने साइकिल के दिए, 8वीं पास करके 9वीं में दूसरे गांव जाए तो 4,500 रुपए खाते में डाले, और 12वीं में जिन बच्चों ने 75% नंबर लाए, मामा ने उनको लैपटॉप के लिए 25,000 रुपया खाते में डाल दिए। पर अब अगले साल से 60% नंबर जो बच्चे लाएंगे उनको मामा लैपटॉप दिलवाएगा, ताकि उनकी पढ़ाई ठीक से हो सके। अच्छा, गरीब का बेटा बेटी टुकर टुकर काय को देखे कि उसके पास लैपटॉप है, मेरे पास नहीं है। अगर वो पढ़ने में तेज, हमको करना चाहिए, ये हमारा फर्ज है। और सुनो, 12वीं में मैंने कहा था कि जो बच्चे पहले नंबर पे आएंगे अपने स्कूल में, एक बेटा और एक बेटी, उसको मामा स्कूटी दिलवाएगा। हमने स्कूटी दे दी, जो पसंद में आई वो ही खरीदी, पर अगले बार एक नहीं, 3 बेटों को और 3 बेटियों को जो सबसे ज्यादा नंबर लाएंगे हम स्कूटी दिलवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, स्कूटी लेना अच्छा पढ़ो, स्कूटी लेना अच्छा पढ़ो, और मम्मी पापा भी प्यार से कहेंगे बेटा पढ़ ले, मामा स्कूटी देगा, तो अपने आप शिक्षा का स्तर ठीक हो जाएगा, हमारे बच्चे और काबिल और योग्य बनेंगे। और इसलिए जैसे मम्मी कहती ना, बेटा मांझा टॉफी दिला दूंगी, तो मामा ने भी कह दिया बेटा पढ़ ले, स्कूटी दिला दूंगा मैं, चिंता काय को करता है। तो इसलिए कर रहे हैं, ये कोई फ्री बांटने की चीज नहीं है, पढ़ाई के साथ अपन ने जोड़ा है, तो अपना परिवार है ना, तो परिवार की चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए एक परिवार को जितनी तरह की चीजों की जरूरत है, देखो कई चीजें मैंने करी, आज समय नहीं है, अभी खंडवा जाना है, वहां से जबलपुर जाना है। एक चीज मैंने क्या करी, बड़ी तरकीब से हम लोगों ने अलग अलग तरह के फैसले किए, जैसे मैं बता रहा हूं, ज्यादा चर्चा में नहीं आई, आप लोगों को भी भैया चर्चा करनी चाहिए। अनिल, जो चीज मैं बता रहा हूं एक बार सुन लें सब। अभी तक मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई में नीट की परीक्षा होती थी, और नीट की परीक्षा में जो बच्चे ज्यादा नंबर लाते थे उनको एडमिशन मिलता था। अब स्कूल दो तरह के हैं, एक स्कूल है प्राइवेट जो ज्यादा फीस लेते हैं, वहां पढ़ाई थोड़ी अलग तरह की हो जाती है,
और एक स्कूल है सरकारी जिसमें गरीब के किसान के बेटा बेटी जाते हैं। तो मैंने देखा प्राइवेट स्कूलों के बच्चे नीट में ज्यादा पास हो रहे हैं। तो एक फैसला मैंने बड़ा किया कि अब दो मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरी बात सुन रहे हो ना सर, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, भाषण वाषण नहीं दे रहा। दो मेरिट लिस्ट बनेगी, एक मेरिट लिस्ट बनेगी नीट के आधार पर, मेरिट के आधार पर, लेकिन दूसरी मेरिट लिस्ट बनेगी सरकारी स्कूलों के बच्चों की अलग से, और उनको रिजर्वेशन दे दिया 5% कि उनमें 5% में केवल सरकारी स्कूलों के बच्चे ही निकल के डॉक्टर बनेंगे। मेरी बात समझ गए कि नहीं समझे? ए धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना जुम्मन, तेरे बेटा बेटी को भी डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों गरीब का बेटा बेटी? ऐसे फैसले करने पड़ते हैं गरीबों का साथ देने के लिए। एक काम और कांग्रेस ने करा, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कायम होगी, बोले अंग्रेजी में ही होगी। अब भैया गरीब आदमी का बेटा बेटी, गांव में पैदा हुआ किसान का बेटा बेटी, वो तो शुरू से अंग्रेजी जानते ही नहीं। एक बच्चे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, एक साल में पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा बात क्या तूने छोड़ क्यों दी? कहले मामा मैं तो हिंदी में पढ़ा और वहां तो अंग्रेजी में ही गिटर पिटर होती है, ना मासी टीटी घरे टुकरिया पीटी, अपने पल्ले ही नहीं पढ़ रहा कोई। तो बोले हम तो पढ़ाई छोड़ के आ गए, अपनी भाषा आती हमको, दूसरी नहीं आती। तो हमने मध्य प्रदेश में फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में भी की जाएगी। बोलो करना चाहिए कि नहीं? नहीं तो कहां जाएंगे हमारे बच्चे बताओ? तो ऐसे बड़े बड़े फैसले अनेकों किए हैं, अनेकों बड़े बड़े फैसले किए जो हमारे बच्चों की जिंदगी बदल दे। आज रोजगार दिवस है, हमने एक योजना बनाई सीखो और कमाओ। यहां उद्योग आ रहे हैं, उनसे भी हमारा MOU हो रहा है कि हमारे उज्जैन में आने वाले उद्योगों में उज्जैन के बच्चों को काम सिखाओ, सीखो और कमाओ योजना। बच्चे काम सीखने जाएंगे तो काम सीखेंगे, और काम सीखने के दौरान उनको मामा 8,000 रुपया महीना देगा, 8,000 रुपया महीना। और जब काम सीख जाएंगे तो भाई नौकरी लग जाएगी। भाई कारखाने वाले को तो जिनके हाथ में काम हो वही लोग चाहिए ना, और इसलिए सीखो कमाओ योजना लागू की। सरकारी नौकरियों में 1,00,000 भर्तियां हमने करने के लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया। अगले साल फिर 1,00,000 सरकारी नौकरियां निकाली जाएगी ताकि उनमें भी रोजगार मिलता रहे। और आज जो हमारा एमएसएमई विभाग ने जो प्रयास किया है कि हम लोन देके बच्चों के काम धंधे शुरू करवाएं, मैं चाहता हूं मेरे बेटा बेटियों तो मैं से कई ऐसे निकले जो रोजगार मांगने वाले नहीं रोजगार देने वाले बन जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति जैसी योजना जिसमें 50,00,000 रुपए तक का लोन बैंक देगा बच्चों को, लेकिन बैंक मांगता गारंटी गारंटी लाओ गारंटी लाओ। अब गारंटी लायक होते तो तुम्हारे पास काय को आते? तो हमने तय किया है गारंटी बच्चों के मम्मी पापा नहीं देंगे। कौन देगा? अरे जोर से बताओ कौन देगा? मामा देगा, सरकार से गारंटी दिलाएंगे, वो कहां से गारंटी लेके आएंगे? तो ऐसे हमारे बच्चे छोटे छोटे कारखाने लगाएं, छोटे मोटे काम शुरू करें। अरे धीरू भाई अंबानी भी तो 500 रुपये लेके आए थे मुंबई, अब कहां से कहां पहुंच गए? तो बच्चे मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए हमारे महीने मनाते हैं रोजगार दिवस। आज भी केवल उज्जैन में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में रोजगार दिवस मना रहे, कई जगह लोग बैठे हैं, और आज हम लगभग 3,00,000 लोगों को रोजगार के लिए लोन उज्जैन से दिलवा रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ताकि उनका काम धंधा फिर शुरू हो जाए। मेरे सभी बहनों और भाइयों आप सब